फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा लंबे समय से चलता आ रहा है कि हीरो पचपन का और हीरोइन की। कई सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो पचपन प्लस होने के बावजूद अपने से आधी या अपनी बेटी से भी छोटी उम्र की एक्ट्रेस के साथ स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आते हैं फिर चाहे इसमें सलमान खान हो अक्षय कुमार हो या अजय देवगन हो हीरो अपनी उम्र नहीं देखते हैं लेकिन उन्हें हीरोइन जो है वो यंग चाहिए इस बात पर कई लोग सोशल मीडिया पर इन सुपरस्टार्स को ट्रोल भी कर चुके हैं लेकिन आप फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक सीनियर एक्ट्रेस ने इन हीरो की इस हरकत को शर्मिंदगी भरी हरकत कहा है और कहा है कि ये शर्मिंदा होने वाली बात है इन्हें शर्म आनी चाहिए ये एक्ट्रेस और कोई नहीं बल्कि रत्ना पाठक है रत्ना पाठक जो आने वाले टाइम में धक धक में नजर आने वाली है उन्होंने अपने लेटे इंटरव्यू में यह स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि जो हीरो अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं ये तो उन्हें 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 सोचना चाहिए शर्म उन्हें आनी चाहिए जब उन्हें शर्म शर्म आनी जब रत्ना पाठक भड़की है आपको बता दें कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में इस बात को लेकर काफी बहस हो गई है कि हीरो जो है वो तो हमेशा हीरो ही रहेगा वो पचपन के बाद भी बूढ़ा नहीं कहलाएगा लेकिन हीरोइन जैसे ही तीस पैंतीस क्रॉस कर गई वो तो बूढ़ी हो गई और तीस पैंतीस तो बहुत ज्यादा बोला है तीस से ज्यादा तो हीरोइन को बूढ़ा कह दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये जेंडर इनक्वालिटी जो है ये फिल्म इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पर है और इससे कई लोगों के करियर बर्बाद हुए हैं यही कारण है कि इन दिनों कई एक्टर्स हैं जो इन चीजों पर खुलकर बात करते हैं और खरी खरी बात कहते हैं खैर आपको क्या लगता है रत्ना पाठक शाह के इस स्टेटमेंट के बाद एक्टर्स की या इन सुपरस्टार्स की सोच बदलेगी क्या ये पचपन की उम्र में पैंतालीस की उम्र की एक्ट्रेस से रोमांस करेंगे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें